आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो, आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया आज कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर थोड़ा सा आत्मावलोकन करना चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए इस बात के लिए कि इतना खुलेआम वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा उनको माफी मांगनी चाहिए देश से। हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपनी खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल।